अगर आप भी भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट की सबसे बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच चल रहे विवादों के बीच भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली अपनी टीम को लेकर साउथ अफ्रीका के दौरे की शुरुआत के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और उन्हीं तैयारियों के बीच विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ की टीम के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी काफी मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मुकाबले के बारे में, लेकिन उससे पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत में से किसे बेहतरीन विकेटकीपर मानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत पाने के बाद शुरू हुए विराट कोहली और बीसीसीआई के विवाद के बीच भारतीय टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है, जहां वो 26 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत करती नजर आएगी। और उस सीरीज में जीत हासिल करने के लिए सभी भारतीय खिलाड़ी लगातार खतरनाक प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी इसी शानदार प्रैक्टिस के बीच कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय खिलाड़ियों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक शानदार खेल भी लाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें टेस्ट कप्तान विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ की टीम के बीच एक शानदार मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें विराट कोहली की टीम में केएल राहुल, ऋषभ पंत और अश्विन जैसे खिलाड़ी थे, तो वहीं कोच राहुल द्रविड़ की टीम में उमेश यादव, शार्दुल ठाकुर और चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। और इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट की बजाय एक फुटबॉल का मुकाबला होता नजर आ रहा है, जिसमें दोनों ही टीमों के खिलाड़ी खूब मस्ती और मजाक करते हुए दिख रहे हैं। और अगर इनके मुकाबले की बात की जाए तो सभी खिलाड़ी मुकाबले को काफी गंभीरता से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसी बीच एक ऐसा मौका भी देखने को मिल रहा है, जहां सब खिलाड़ी भारतीय टीम के सबसे शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल खेल के दौरान एक बार बॉल ऋषभ पंत की तरफ आती है, जितने वो नेट के पार पहुंचने के लिए काफी आगे तक उठते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब हो जाते हैं। और उनकी इसी नाकामयाबी को देखकर कप्तान विराट कोहली समेत सभी भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत का मजाक उड़ाने लगते हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ी लगातार प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं और मैं अपनी फिटनेस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए काफी एक्सरसाइज और रनिंग भी कर रहे हैं, जिसे देखकर ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय टीम इस टेस्ट सीरीज को जीतकर अपनी जीत का सूखा खत्म करना चाहेगी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली अपने बल्ले से शानदार पारी खेलकर वापसी करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, हमें अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।